जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूँ कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूँ, लेकिन मैं सनातन में हूँ और मरते दम तक सनातन में ही रहूंगा। उन्होंने कुरान शरीफ को मैं तब्दीली करने की कुछ आयतें निकालने की बात कही और इस्लाम के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई की, इसलिए मुसलमानों ने, सुन्नियों ने, शिया ने सबको उनको इस्लाम से भी खारिज कर दिया। तो ऐसा इंसान जो कि मुसलमान खुद न रहे तो वो मुसलमानों की वकालत तो नहीं कर सकता। तो इसलिए सारा मुसलमान, सुन्नी हो या शिया हो, सब खिलाफ़ हैं उनके, मैं भी खिलाफ हूँ उनके। लेकिन डॉक्टर साहब वो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर फिदायीन हमला हो सकता है और इस्लामी कट्टरपंथी किस्म के लोग मेरी हत्या कर सकते हैं। ये सब अपने कीमत बढ़ाने के लिए सब बातें कर रहा है। एक वीडियो संदेश उन्होंने इससे संबंधित जारी किया है और यूट्यूब पर जो अपलोड भी उन्होंने किया है इससे संबंधित, तो क्या मानते हैं कि क्या ये उनका कोई उनका झूठा है, गलत है।